हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं वर्षर। तो गाइस, पाकिस्तानी लोगों के फनी इंटरव्यू लेकर आया, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। काफी लोग कह रहे थे यार, फनी इंटरव्यू लाओ, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाओ पाकिस्तानी लोगों का। तो देखो यार, काउंट ऑन करते हैं, रीड ऑन एंड स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक से एक इंटरव्यू देखा होगा। इंटरव्यू में कौन कब क्या बोल जाए कोई नहीं जानता, और ऐसे ऐसे महान लोगों को देखकर बस यही बोलने का मन करता है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये। और जब ऐसे महान लोग पाकिस्तान के हो, फिर तो क्या ही कहना, तब तो भैया बात का बतंगड़ होना तो पक्का। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के कई नमूने का इंटरव्यू दिखाने वाले है, जिसे देखने के बाद हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे। ये सेकेंड पार्ट है, अगर पार्ट वन भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। चलो चलो। दोस्तों, सबसे पहले मिलिए इस महाशय से। इस वीडियो में रिपोर्टर चंद्रयान 3 के बारे में जब एक शख्स से पूछता है कि भारत को चंद्र पर चंद्रयान 3 भेज रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तब ये शख्स क्या कहता है, आप ही सुनिए। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब हम तो चांद पे नहीं रह रहे हैं। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे, लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। इस भाई ने तो हाई लेवल रोस्टिंग कर डाली। इससे पहले भी पानी को लेकर एक पाकिस्तानी आंटी का 8-10 साल पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये कुछ ऐसा कहते नजर आ रही थी। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी जान धोने के लिए पानी नहीं है। अरे बाबा, दोस्तों अभी जनाब से मिलिए। इनकी बातें सुनकर तो आप पेट पकड़कर हंसने वाले हैं। ये रिपोर्टर मोहतरमा जब इस जनाब से पूछती है कि आप लाहौर रहने आए हैं या घूमने आए हैं, तब यह भाई साहब कहते हैं कि घूमने आए हैं। उसके बाद जब रिपोर्टर पूछती है कि आपकी शादी हुई है, तब सुनिए यह जनाब क्या कहते हैं। यहाँ लाहौर घूमने आए हैं कि रहती लाहौर है? नहीं नहीं, घूमने आए हैं। घूमने आए हैं जी। तो कैसा लग रहा है लाहौर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमको सिखा रही है। आपकी शादी हुई है जी? कितनी हुई है? 4। वैसे खान भाई इतनी शादियाँ करते क्यों? बस दूसरा काम अमुक लोगों को नहीं है ना। खान भाई को दूसरा काम और कोई? हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे आपके? 18। ये बस बन के लाया है भाई। भाई साहब ने बच्चे पैदा करने के अलावा कौन सा काम ही है? 4 बीवी 18 बच्चे, वाह जनाब वाह। इतना ही नहीं, अभी और सुनते जाइए। 4 शादियाँ, 18 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक एक ही घर में रहती है जी जी। समझ रहे हो क्या भाई? वो है समझ रहे हो? मतलब कैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ कोई? जी जी, शेड्यूल अपना शेयर करें जरा हमारे साथ। मजा आएगा ना वीडियो। शेड्यूल तो यही शेड्यूल है, बस हर किसी का एक एक दिन है। हर किसी का एक एक दिन जी। तू समझा? नहीं, क्या आदमी है भाई ये, शेड्यूल भी बना रखा है कि किसको कितना प्यार करना है। जनाब, आपकी इस हरकत के वजह से शायद ही आपको जन्नत नसीब हो। इन्हें देखकर इतना ही कहने का मन कर रहा है कि चलो एटलीस्ट पाकिस्तान किसी चीज में आगे तो है। दोस्तों अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। जब ये रिपोर्टर इस लड़के से पूछती है कि क्या करने का मन है लाइफ में, तब तो यह बच्चा बोलता है कि बिजनेसमैन। पर जब रिपोर्टर पूछती है किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो, तब यह लड़का जो बोलता है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सोचे इस हफ्ते ने बनने का लाइफ में? लाइफ में बनने का बिजनेसमैन। बिजनेस कौन सा बिजनेस करोगे? लड़कियों का। दोस्तों
अब इनसे मिलिए। ये पाकिस्तानी भाई साहब कुछ अलग ही टाइप के हैं, जिनका स्टाइल तो लड़कियों की तरह है और बोलने का तरीका भी। ऊपर से रिपोर्टर मोहतरमा अपने अलग ही एटीट्यूड में है। जब ये इन भाई साहब से पूछती है कि इंडिया कैसा लगता है, तब इनका जवाब सुनिए। अच्छा, इंडिया कैसा लगता है? ओह माय गॉड, माय गॉड, अबे और कैसा मोदी नहीं पसंद इंडिया? इंडिया के लोग भी अच्छे लगते हैं। यही लड़कियां, यही लड़के, लड़कियां अच्छी लगती। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सही कहा भाई साहब ने, वैसे भी लड़कियों को लड़कियां ही पसंद आएगी। दोस्तों कभी कभी जवाब देने वाले तो कमाल के जवाब दे ही देते हैं, पर ये रिपोर्टर भी किसी से कम नहीं होते। अब इन जनाब को ही देख लीजिए, जो इन दो महिलाओं से ये पूछ रहे हैं कि लड़कियों की वो कौन सी चीज है जो नहाते समय नहीं भीगती। खैर चलिए अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। आप हमें यह बताएं कि लड़की की व्यवसायी कौन सी चीज है जो नहाते वक्त गीली नहीं होती? नो 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 नो, नेल्स, नेल्स गीले होते हैं। सब कुछ गीला होता है। फिर कौन सी है? बाल भी गीले होते हैं, सब कुछ गीला होता है। सब कुछ गीला होता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो गीली नहीं होती। अंदर जो रेटिना होता है वो नहीं गीला होता। क्यों? वो जो ब्लैक डेला होता है उसको, हाँ, नहाते वक्त पानी जाता है। गुस्सा लड़की का। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी, दीदी। अब क्या ही कहे, जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग मजाक भी अच्छा कर लेते हैं, या शायद यूं कहे कि गाजा फूंक कर बात करते हैं। यह मैं नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही बोलिएगा। यह रिपोर्टर जब इन मोहतरमा से पूछती है कि पाकिस्तान भारत से किन चीज में आगे है, तो इन मोहतरमा का जवाब तो सुनिए। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे है, अगर रिसेंटली बात की जाए तो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम बहुत आगे चली गई है। सेकेंडली आर्मी, द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामास, हर मुल्क तारीफ करता है पाकिस्तानी ड्रामास की। उस तरह के ड्रामास कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं बना पा रही अभी तक। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और थर्डली पाकिस्तानी फ्लैग जो कि वहाँ पे है वाघा बॉर्डर में, वो सबसे बड़ा फ्लैग है और आज तक उतना बड़ा फ्लैग कोई भी नहीं बना पाया। और टांग उठाने में भी। और हमारा लीडर, जो लीडर था इमरान खान साहब, इमरान खान साहब वैसा मतलब इस्लामिक ममालिक में अभी तक कोई लीडर नहीं आ पाया। इस दुनिया में क्या ना क्या चाहती है हमें। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। शायद यह मोहतरमा इस दुनिया में रहती ही नहीं है। वैसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो बोलना है आप इन्हें कमेंट में खुद बोलिए। अभी बीच में हरामी कुत्ता मुझे इनके इंटरव्यू से ज्यादा फनी लगा। कसम से ये हरामी कुत्ता बीच में जो आता है ना कि डाल दे यार, मस्त है सच में यार। अब बात है उसकी तरह यार, मतलब क्या लड़की ने बातें की यार, मतलब कोई यार ये मतलब क्या 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 यार सच में यार। कोई स्पोर्ट में आ गए, स्पोर्ट्स में भी आ गए, हमारा लीडर भी आ गए। अच्छा उसके बाद हर कोई आ गया भाई, हमारे लीडर आ गया क्योंकि वो जेल में है। जेल में वो इसलिए आ गए। लीडर जेल में नहीं गया यार। हाँ यार, वो बताना कौन सी चीज गीली नहीं होती ना। हाँ यार, ये बताना यार, पाकिस्तानी में भाई पता नहीं क्या चाहते हैं दुनिया से, मुझे लोग भी पैदल आकर सब, इंटरव्यूअर भी। हाँ भाई, आपको इसका क्या लेना है कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।